अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए आधा किलो चिकन चाहिए होगा, लहसुन अदरक, प्याज, एक अदद टमाटर, हरी मिर्ची, ज़ीरा, इलायची, साबुत धनिया, सौंफ और गरम मसाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम ऑयल में प्याज ऐड करेंगे। ब्लेंडर में हम टमाटर, लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, सौंफ और इलायची डालेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज में हम अपना गरम मसाला ऐड करेंगे। पेस्ट हमारा रेडी है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और चिकन डाल के अच्छे से भून लेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें अपना पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल हमने भिगो के रख दिए थे। 1 कप दही लेंगे हम और 1 अदद लीमू। पानी हमारा बॉईल हो गया है और अब हमने उसमें चावल ऐड कर दिए। जब पानी में बबल्स आने लग जाएं तो हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और दही ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया। पानी हमारा खुश्क होने के करीब है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और अब हम इसे दम पे लगा रहे हैं लाइट फ्लेम पे तकरीबन 20 मिनट तक। इसके साथ हमने रायता रेडी किया है। 20 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।